विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी गॉट इट्स फर्स्ट स्मोक टावर। तो हमारे यहाँ पे इंडिया की बात करी जाए तो कौन सी सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम स्मोक टावर जो है उसको बनाया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किस सिटी के अंदर फर्स्ट स्मोक टावर को एस्टेब्लिश किया गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सिटी के अंदर अभी रिसेंटली उसको उसका फर्स्ट स्मोक टावर मिला है, राइट। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, काफी न्यूज में था तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि आप जगह जगह पे स्मोक टावर बनाइए, क्योंकि यहां पे आपको पता है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का इश्यू बहुत ज्यादा है। तो आंसर हमारा फिलहाल न्यू दिल्ली है। और यहां पे वेरियस, अभी तो पहला स्मोक टावर बनाया गया, आने वाले टाइम में हो सकता है बाकी स्मोक टावर भी बनाए जाए ताकि जो पोल्यूशन है उसको काफी हद तक कम किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, होता क्या है इसमें मैकेनिज्म मैं बता देता हूं इसका। देखिए इसके अंदर ये वेरियस जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं मल्टीपल लेयर्स के, और जब भी इसमें से पॉल्यूटेंट्स पास करते हैं तो वो उसके अंदर रुक जाते हैं और जो क्लीन एयर होती है वो बाहर निकलती है। इसमें कार्बन नैनो फाइबर्स का यूज किया जाता है और जो पर्टिकुलेट मैटर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो जितने भी इसके आसपास जो एयर पास कर रही होती है इसके अंदर से, वहां पर पॉल्यूशन को अंदर ही रोक दिया जाता है और क्लीन एयर जो होती है वो बाहर निकलती है। इस तरीके के टावर्स अगर हम पूरी सिटी में बना देते हैं तो जो आपका पॉल्यूशन होता है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत करिए दिल्ली ने, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी की जो सिटीज है वो भी ऐसा करे जहां पर काफी ज्यादा पॉल्यूशन पाया जाता है। चलते हैं।